राधे कृष्णा मित्रों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी के सर पे हमेशा भाई भाई हो तो बहन का हाथ और बहन हो तो भाई का साथ बना रहे। दोस्तों, मैं आज आप सभी से कुछ बातें करने वाली हूँ। कई सारे लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं आज आप सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं गांव में नहीं रहती। मैं बेंगलोर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी रहती है जो 11 ईयर की है। तो हम तीनों एक साथ रहते हैं। तो आप लोगों के जैसे ही हम भी रक्षाबंधन को बहुत मिस करते हैं। जब गांव में रहते थे तो कितनी खुशी होती थी। आज का दिन, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के दिन ना जाने कितनी सारी खुशियाँ होती थी। ऐसे तो भाई बहन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कुछ ज़्यादा ही प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है। ये है हमारी प्यारी सी बिटिया रानी, जिसको अपने रक्षाबंधन पे भी एग्जाम देने के लिए जाना है। इसको एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं है। और ऐसी होती है हमारे शहरों की रक्षाबंधन। तो मिलिए मेरी प्यारी सी बिटिया रानी से। हमारी पिछले साल की रक्षाबंधन की कुछ तस्वीरें। तो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी पूजा पाठ करके कान्हों को राखी चढ़ा के स्वयं ही राखी बांधने के लिए आ गई है, ताकि वो जल्दी से स्कूल जाने के लिए रेडी हो सके। अब मैं मिलाने वाली हूँ अपने हस्बैंड जी से, जिसे वीडियो बनाना और वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप लोग मिलिए उनसे। तो दोस्तों, ये है हमारे हस्बैंड जी, जो कि हमारे पूरे परिवार के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। खाना तक भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जब शाम को घर लौट कर आते हैं तो उनके चेहरे पे खुशियाँ ही होती है। अपनी खुशी को त्याग कर हम लोगों को खुश रखते हैं। मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तो बेचारा ये भी खुद से ही राखी बांध रहे हैं। ये होती है हमारी प्रदेश की रक्षाबंधन। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।